नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपकार और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने डिस्क के पार्टीशंस को डिलीट कर सकते हैं और नया क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे कंप्यूटर में 5 पार्टीशंस हैं, जो कि मैं लास्ट 2 वालों को डिलीट करने वाला हूँ। स्टार्ट मेन्यू में पार्टीशन टाइप करें सर्च बार पर और एंटर प्रेस करें। आपके कंप्यूटर में डिस्क मैनेजमेंट नाम का मेन्यू विंडो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पीसी में 2 डिस्क लगा हुआ है, डिस्क ओ एंड डिस्क वन। मैं डिस्क ओ में एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं, तो मैं डिस्क ओ का फर्स्ट पार्टीशन को डिलीट करूंगा, उसमें राइट क्लिक करके और डिलीट वॉल्यूम में प्रेस करके। आप देख सकते हैं कि मेरा एक डिलीट हो चुका है, हियर यू कैन सी। अब मैं दूसरे वाले को भी डिलीट करने जा रहा हूँ, तो राइट क्लिक ले, डिलीट वॉल्यूम, यस। देख सकते हैं मेरा दोनों पार्टीशन डिस्क ओ का डिलीट हो चुका है। तो अब मेरे 2 पार्टीशन कंप्यूटर वाले विंडो से हट चुके होंगे, तो मेरे पास 3 होगा। देख सकते हैं 2 हट चुके और मेरे पास केवल 3 बचा है। अब मैं इससे एक न्यू पार्टीशन बनाने जा रहा हूँ। राइट क्लिक करें और न्यू सिंपल वॉल्यूम पर क्लिक करें, नेक्स्ट। और यहाँ पर से आप साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि मैं सिंगल पार्टीशन बना रहा हूँ। यहाँ पर आपके पार्टीशन का नेम असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली ही। आप सेलेक्ट चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर भी आप कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दे रहा हूँ। उसके बाद फिनिश प्रेस कर दे। अब देख सकते हैं न्यू पार्टीशन क्रिएट हो रहा है और ये क्रिएट हो चुका है। आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ। देख सकते हैं मेरे पास कंप्यूटर में 465 GB का पार्टीशन क्रिएट हो गया। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।